हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव। और क्या आपके किसी भी अंग का कभी ऑपरेशन हुआ है? अगर नहीं भी हुआ हो तो ये मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए हो और आपकी सर्जरी चल रही है। इसी सर्जरी के दौरान अचानक से आपको ऑपरेशन टेबल पर ही होश आ जाता है और आपको आपके शरीर को चीर कर अंदर जाते हुए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स महसूस होने लगते हैं। अब भूलिए मत, ये आप ही का ऑपरेशन आप ही के आंखों के सामने हो रहा है और अब आपको उसी ऑपरेशन से उत्पन्न हो रहे हर एक कण दर्द भी महसूस हो रहा है। सच्चाई तो ये है कि ऐसी घटनाएं आपके सोच से भी ज्यादा कॉमन है। जो हमारे पास आंकड़े हैं वो एक तरह से ये दर्शाने वाले हैं कि ऐसा भविष्य में किसी के साथ भी हो पाना बिल्कुल संभव है। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो ये घटना खुद पहले ही अनुभव कर चुके हैं और इस तरह की विपदा को भविष्य में रोकने के लिए क्या करना चाहिए उसकी सीख हमें दे सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। जनरली किसी भी सर्जरी से पहले पेशेंट को एनेस्थीजिया दवा का इंजेक्शन दिया जाता है। ये जनरल एनेस्थीजिया हमारे शरीर में दो काम करते हैं। सर्जरी के वक्त पेशेंट के शरीर को अनकॉन्शियस यानी बेहोश कर देते हैं कि दर्द महसूस ही ना हो, और दूसरा न्यू मेमोरी नहीं क्रिएट करने देते, यानी कि सर्जरी के बाद उस पेशेंट के दिमाग में उस सर्जरी को लेकर कोई याददाश्त ना बचे। अब हर साल दुनिया भर में 210 लाख से भी ज्यादा सर्जरीज होती है, पर कुछ सर्जरीज में पेशेंट्स के लिए जैसे उनका डरावना सपना ही सच हो जाता है। उन्हें एक कंडीशन जिसे कहा जाता है एनेस्थीजिया अवेयरनेस हो जाती है। एनेस्थीजिया अवेयरनेस का मतलब किसी भी सर्जरी या फिर ऑपरेशन के बीच में ही इंसान का होश में आ जाना और दर्द को बिल्कुल महसूस कर पाना जैसे कोई भी आम इंसान कर पाता हो। पर बात यहाँ पर नहीं रुकती, क्योंकि यहाँ से तो परेशानी सिर्फ शुरू ही होती है। उनका शरीर जनरल एनेस्थीजिया के चलते पैरालाइज हो गया होता है, यानी वो हिल डुल नहीं सकते और अपना दर्द या होश किसी दूसरे इंसान को ऑपरेशन के दौरान जाहिर नहीं कर पाते। उन्हें उनकी आसपास हो रही आवाजें तक सुनाई देती है, सभी चीजों का होश होता है, पर दुर्भाग्यवश कोई और इस बात का गवाह नहीं बन पाता। उसे एहसास रहता है लेकिन वो खुद को एकदम बंधा हुआ पाता है। उसे एहसास होता है कि वो चिल्ला रहा है लेकिन वो सिर्फ उसके दिमाग में ही चिल्ला रहा होता है और उसकी आवाज सर्जरी कर रहे डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचती। वो उसके हाथ पैर हिलाने की भी बहुत कोशिश करता है लेकिन उसमें भी वो सक्षम नहीं हो पाता। कभी कभार ऐसे भी होता है कि पेशेंट सर्जरी के पहले से ही घबराया हुआ होता है और ज्यादा ही टेंशन में रहता है। अब ये स्थिति इस घटना को झेलने के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि सर्जरी के वक्त उस पेशेंट के दिमाग में सर्जरी से संबंधी भयानक ख्याल घूम रहे होते हैं और उसे वो सभी चीजों का एहसास भी होने लगता है जो चीजें वास्तव में हो भी नहीं रही। डर के इमोशंस हमें हाइपर सेंसिटिव और हाइपर अवेयर बना देते हैं। आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनिया भर में लगभग 21 मिलियन सर्जरीज होती है जिसमें पेशेंट्स को एनेस्थीजिया दिया जाता है। हर 1000 सर्जरीज में से एक या दो केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनेस्थीजिया अवेयरनेस की परिस्थिति बन जाती है, मतलब हर साल कुल मिला के 20,000 से 40,000 केसेस। एनेस्थीजिया अवेयरनेस होने के चांसेस उन पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं जो काफी सारी मेडिकल कंडीशन से ऑलरेडी जूझ रहे होते हैं। 2004 में सिडनी विलियम्स नाम के एक पेशेंट की हार्ट सर्जरी होने वाली थी जिसमें डॉक्टर्स ने उसे पहले ही बता दिया था कि सर्जरी में उसके जिंदा रहने और मरने की संभावना 50-50 रहने वाली है। जब डॉक्टर्स उसके स्टर्नम यानी कि ब्रेस्ट बोन को ओपन कर रहे थे तभी ही उसे होश आ गया। वो ना हिल पा रहा था ना आवाज निकाल पा रहा था, यहाँ तक कि वो रो भी नहीं पा रहा था दर्द में, लेकिन वो डॉक्टर्स के बीच हो रही बातों को बिल्कुल सुन सकता था। उसके मुताबिक ये अनुभव उसके लिए बेहद डरावने सपने जैसा था। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि ये खौफ ऐसा था मानो उसको जिंदा ही जमीन में गाड़ा जा रहा हो। इस ऑपरेशन के बाद उसकी जान तो बच गई लेकिन इसका उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा और उसकी रातों की नींदें ही काफी दिनों के लिए उड़ गई। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है जो ऐसे केसेस में होना आम बात है। इसी तरह का एक और किस्सा सामने आया था जिसमें डॉक्टर्स को जीनी स्मिथ नाम की महिला की सर्जरी करे उसकी दोनों ओवरीज निकालनी थी। इसी सर्जरी के बीच वो होश में आ गई और उसे उसके चेहरे पर एक चमकीली रोशनी पड़ती नजर आई। मेडिकेशंस के कारण जीनी की बॉडी पैरालाइज थी और इसके कारण वो ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही ऐसा कोई संकेत दे पा रही थी कि जिसे देख के डॉक्टर्स को पता चले कि वो होश में थी। वो हर एक कट और स्टिच को फील कर पा रही थी और उससे होने वाले दर्द को झेल रही थी। उसके लिए ये दर्द ऐसा था मानो कि उसके शरीर में कई बॉम्ब्स विस्फोट हो रहे हो।
उसे घबराहट हो रही थी और उसके गले में ब्रीदिंग ट्यूब होने के बावजूद उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो ऑपरेशन के बीच में ही दम तोड़ देगी। और ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो एनेस्थेटिक्स चीनी की बॉडी को सप्लाई किया जा रहा था वो ऑपरेशन के बीच में ही खत्म हो गया था, जिसके कारण उसने कॉन्शियसनेस गेन कर ली और एक खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। लेकिन एनेस्थीजिया अवेयरनेस का सबसे खतरनाक केस जो सामने आता है वो हुआ था शर्मन साइजमोर नाम के एक व्यक्ति के साथ। शर्मन साइजमोर को एब्डोमेन यानी पेट में दर्द था और इस दर्द का कारण पता लगाने के लिए उसकी एक एक्सप्लोरेटरी सर्जरी होनी थी। डॉक्टर्स ने उसे पैरालाइजिंग ड्रग्स दे दिए जिनके प्रभाव से वो जरा भी हिलडुल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी मांसपेशियां ही लॉक हो जाएगी। लेकिन उसको सिर्फ एक मामूली सी भूल के कारण कोई एनेस्थीजिया नहीं दिया गया था और ऐसे ही सर्जरी को अंजाम दे दिया गया पूरे 29 मिनट तक। इस दौरान वो होश में था और सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था मगर जरा भी हिलडुल नहीं पा रहा था। सर्जरी शुरू होने के 16 मिनट बाद जैसे ही शर्मन के पेट में लगाकर उसे काटा गया तब एनेस्थीजियोलॉजिस्ट को उसकी गलती का एहसास हुआ और तुरंत उसने शर्मन की बॉडी में एनेस्थीजिया इंजेक्ट कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्जरी पूरी होने के बाद जैसे ही शर्मन को होश आया तो डर के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। सर्जरी के शुरुआत में जो कुछ भी हुआ था उसे वो सब कुछ याद था और ये भयानक एक्सपीरियंस उसके दिमाग पर गहरा असर डाल रहा था। सर्जरी होने के काफी दिनों तक वो ठीक से सो भी नहीं पाता और जब भी वो सोने की कोशिश करता तो उसको सर्जरी के डरावने सपने आते और कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे कि लोग उसको जमीन में गाड़ रहे हो। वो इस एंजाइटी को ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाया और सर्जरी के लगभग एक महीने के अंदर ही उसने खुदकुशी कर ली। ज्यादातर केसेस में एनेस्थीजिया अवेयरनेस एनेस्थीजियोलॉजिस्ट की लापरवाही के कारण होता है या फिर तब होता है जब डॉक्टर पेशेंट की बॉडी की एनेस्थीजिया की डिमांड को ठीक तरह से परख नहीं पाता। मेडिकल साइंस की इतनी तरक्की के कारण ऐसे मशीन्स भी अवेलेबल हैं जो सर्जरी के समय पेशेंट के दिमाग को रीड कर सकते हैं और डॉक्टर्स को बता सकते हैं कि पेशेंट को होश आने वाला है कि नहीं। लेकिन इनकी कीमत ज्यादा होने के कारण ये सिर्फ 15-20% हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको किसी भी सर्जरी की जरूरत हो तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाने होंगे। किसी भी सर्जरी से पहले डॉक्टर अपने पेशेंट से उसकी मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानकारी लेता है कि आप उस सर्जरी के लिए फिट हो या ना हो और आपके शरीर को कितने एनेस्थेटिक्स की जरूरत होगी। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने डॉक्टर को सब कुछ एकदम सच सच बताइए और उनसे कुछ भी चीज ना छुपाइए। ऐसा करने पर आपके एनेस्थीजिया अवेयरनेस का शिकार होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। ऑपरेशन से पहले भी अपने पेरेंट्स को डॉक्टर्स तक इस बात का ध्यान रखने की सूचना भी पहुंचाइए ताकि इस बात पर स्पेशल केयर रखा जा सके। और अगर किसी भी कारण डॉक्टर्स की लापरवाही के वजह से आप एनेस्थीजिया अवेयरनेस के शिकार भी होते हैं तो आप उस डॉक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।